Catch all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाँ भाई, सो आपको नहीं अच्छा लगता ना कि मेरे आपके इस टीवी स्क्रीन पे कोई और चेहरा नज़र आए मेरे अलावा, है ना? हमें चेंज नहीं पसंद, मुझे भी चैनल चेंज करना नहीं अच्छा लगता, यानी कि अपनी जॉब चेंज करना शायद मुझे इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि मुझे भी आदत हो जाती है चीज़ों की और चीज़ों को चेंज करने में मुझे कुछ उलझन सी महसूस होती है। हमारे घर में तो फड्डे हो जाते हैं जब हम कुछ चेंज करने का सोच रहे होते हैं, या कोई खुद ब खुद चेंज आता है ज़िंदगी में जब हम दोनों मियाँ बीवी थे, खाली बच्चे नहीं थे। बच्चे आने के बाद खुशहाली तो आई लेकिन साथ चेंज भी आया और उस चेंज की वजह से काफ़ी फड्डे हुए। फिर हमने घर चेंज किया, घर चेंज करने में भी हमें कुछ अजीब सा फील हुआ। सो चेंज एक्सेप्ट करना, चेंज को बर्दाश्त करना कभी कभार लोगों के लिए मुश्किल होता है, मगर बेहतर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, एसी बंद कर दो खुदा के वास्ते, हाँ छोटी सी मिसाल अगर मैं देती हूँ आपको कि आपके घर की एक ऐसी मेड जो सुस्त है, माटी हो गई है, इतने सालों से आपके पास है, आपको उसकी आदत हो गई है, आप नहीं चेंज करते उसे, कि भैया आपको उसकी आदत है, आपको ये भी पता है कि उससे अच्छी उतनी तनख्वाह पे दूसरी मेड मिल जाएगी, लेकिन क्या करें, आपको आदत है उसकी, हैबिट है। फिर आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपकी प्रमोशन हो गया, आपके पास पैसे हैं, आप ज़्यादा बेहतर इलाके में किराए का घर रह सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ते। स्पेशली मैंने देखा है ली मार्केट में हमने शूटिंग की है, वहाँ पे अच्छे खासे पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो मोहल्ला नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि आदत है हमें, हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं जा सकते कहीं और। बल्कि लोग अगर मोहल्ला शिफ्ट करके कहीं और जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो माएँ हैं, जिनकी अटैचमेंट होती है उस मोहल्ले से, वो बीमार हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मुल्क नहीं छोड़ते, शहर नहीं छोड़ते, इलाका नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग मेरी तरह, मुझे अपनी अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों से, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल हो, जब तक वो ख़राब ना हो जाए ना, मैं नहीं उसको रिटायर करती। मतलब लाइक जब तक उसमें से आवाज़ ना आ रही हो या गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही फटीचर ना हो जाए, मैं नहीं छोड़ती। पता नहीं क्यों मुझे, मेरे साथ ये ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ भी है, कि वो उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते चेंज ज़िंदगी में। लेकिन इतनी अकलमंद इंसान को होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि अगर ये चेंज आपकी बेहतरी के लिए, तो आपने इसको अपनाना है। बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे माँ बाप की ओल्ड स्कूल लगती हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है, सो उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हम कैसे ऐसे कर लें, हमारे साथ तो अम्मा अब्बा ने ऐसे नहीं किया, हम कैसे इजाज़त दे दें, हम कैसे ये कर लें। सो माशरे के साथ, वक्त के साथ चेंजेस अपने अंदर लाना ज़रूरी है। एक ज़माना था खा रहे, शादी के बाद तो सबके पेट निकल रहे हैं, भाई क्या है, हो गया, अब तो हो गया जो भी होना था। लेकिन अब आप देखें चेंज क्या है, एक्सरसाइज, जिम, रौनक हो गई है वहाँ, लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, सोच समझ के खाते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ कम करने के बाद अब थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग की तरफ आ गए। सो चेंज लाना अपने अंदर ज़रूरी है। हमारे कुछ सेलेब्रिटीज़ ने भी अपने अंदर कुछ चेंजेस पैदा किए अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, उनसे सीखते हैं कि उन्होंने क्या किया, और आप मुझे बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कौन सा चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर।
मुझसे पूछें तो सच्ची बात ये है कि मैं अपने अंदर बहुत चेंजेस ला चुकी हूँ. मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल है, मुझे किस सिम्ट में जाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, मुझे सब पता है. पहले मैं क्या करती थी, अब मैं क्या करती हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को ट्यून कर रही हूँ उन चेंजेस के लिए जो मेरी बेहतरी के लिए, जो मेरी सेहत की बेहतरी के लिए, जो मेरे घर मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए. एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए. इन चेंजेस से, इन सेलेब्रिटीज़ की चेंजेस से आप भी कुछ सीखिए. और अगर चेंजेस लाने हैं तो अरे अपने दिल अपना कलेजा बड़ा रखिए, चेंजेस लाइए अपनी बेहतरी के लिए. ना सिर्फ बेहतरी के लिए बल्कि अपनी प्रमोशन के लिए भी और अपनी बढ़तरी के लिए भी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग. So, ये चेंजेस जो अच्छे चेंजेस हैं अपनी ज़िंदगी में ये लोग कैसे लाए, मुझे उम्मीद है आप सुनना चाहेंगे और एक दो दफ़ा आपने सुना भी होगा, है ना. सो आइए मिलते हैं हम डॉक्टर उमेरा हिल से. अस्सलाम वालेकुम. देखिए अगर मैं आपको पुरानी क्लिप्स दिखाऊं तो आप डॉक्टर उमेरा हिल को देखें और आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके अंदर जो चेंज आया वो कितनी पॉजिटिव चेंजेस है ना. माशाल्लाह पहनना ओढ़ना मेकअप और पर्सनैलिटी ओवरऑल कॉन्फिडेंस में भी बड़ा चेंज. बिल्कुल बिल्कुल. माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोगों से बहुत सीखा. हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा. आपने पूरी दुनिया को सिखाया. वो प्रोसेस चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. सादिया इमाम अस्सलाम अलैकुम. थैंक यू सो मच. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. हमने सादिया से ये सीखा कि भाई जब बच्चे पैदा कर लें आप तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. दोबारा से आप पुरानी वाली सादिया बन सकते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा फिट बन सकती है. यस बिल्कुल. है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप से प्यार करना. और ये मैंने बहुत लेट सीखा और जब सीख लिया तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रख सकते. बिल्कुल. और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते कोई और आपसे प्यार नहीं करता. अगर आपको दूसरों के प्यार के लिए आप तड़प रहे हैं ना तो सबसे पहले अपने आप से खुद प्यार करें. बिल्कुल. फिर दूसरे खुद ही आएंगे आपकी तरफ. बिल्कुल सही. है ना. बिल्कुल. और हमारे साथ है किरण खान जो कभी चेंज नहीं हो सकती. आपने इनको बहुत कम लाल लिपस्टिक में देखा होगा. और काजल में. और काजल आज काजल है. आज भी वैसी, कल भी वैसी, परसों भी वैसी. नानी दादी बन जाएंगी तब भी वैसी की वैसी. उस दिन का इंतजार रहेगा. आप हमारी बात कर रही हैं, आप खुद देख लीजिए, खुद अपने आप को देखिए. ये तो खैर है, निदा में काफी चेंजेस आए हैं. बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए. हम पुरानी पुरानी चीजें भी दिखाते हैं. पुरानी तस्वीरें, पुराना मेकअप, हेयर स्टाइल. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. फिजिकल चेंजेस हो या ना हो लेकिन ना मैं अपनी रूह के अंदर, अपने सोल के अंदर चेंजेस लेकर आई हूँ जिसकी वजह से मैं, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मुतमईन हूँ. और सबसे सुकून, सकून असल तो है ही अंदर का खेल. और अब मैंने किरण दो कान इस्तेमाल करना शुरू किए हैं. एक कान से सुनो, दो कान दूसरे कान से निकाल दो. एक्चुअली आप डाले ही ना कान में. नहीं, इसे समझ आ पाए कि दो कान अल्लाह ने दिए क्यों. मुझे इसे समझ आती है. हाँ, मैंने इसलिए कि एक कान से सुन के या ब्रेन तक या दिल तक ले जाके अपने आप को बीमार नहीं करना बल्कि दूसरे कान से हिश करके फेंक दो. है ना. नहीं करना. और जी अब ये चौथी है, मैंने इनको भी बहुत बिगाड़ने की कोशिश की है कि दो कान इस्तेमाल करो. फहीमा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया. इस्तेमाल करती है? नहीं, दोनों का भी कभी कभी करती हूँ लेकिन लिव एंड लेट लिव होना चाहिए. ये पॉलिसी मैंने भी अपनी डायरी में लिख ली है. और हंसते मुस्कुराते रहे नो मैटर व्हाट जो भी हालात. ये वाला एग्जांपल तुमसे मिलता है फहीमा क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि तुम किस चीज से गुजारी हो मगर तुमने अपनी वो कहते हैं फरार ढूंढ ली है कि तकलीफ और दुख में भी मुझे मुस्कुराना है. सबसे बड़ी बात यह कि तुमने जो अल्लाह की जो वो पकड़ा हुआ है ना, तुमने नमाज और इन सब चीजों को उससे तुम्हें जो है ना वो आई थिंक वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ. सेकंडली इस चीज को हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो तकलीफ
या जिसको हम दुख कहते हैं या जिसको हम आजमाइश कहते हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और वो कहता है कि मैं तुझे दे के भी आजमाऊंगा, तुझसे लेके भी आजमाऊंगा, ठीक है। तो अगर उसने वो खुशियों वाले दिन दिए थे, तो अगर वो तुम्हें थोड़े दिनों के लिए, तुम्हें मुझे हम में से हर एक को वो जरूर आजमाता है, और वो ये देखना चाहते हैं क्या ये मेरी तरफ रुक के रहता है या इधर उधर फरार ढूंढता है। और साथ ही मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब आपके डाउनफॉल आता है तभी आप ज्यादा कनेक्ट होते हैं अल्लाह ताला के साथ, क्योंकि जब बहुत अच्छा स्मूथ सरफेस चल रहा होता है तो आप शायद अल्लाह ताला से भी वो झटका भी बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं बना। और आप सबकी जिंदगी में आते हैं वो झटके, एकदम आप बिल्कुल स्मूथ लाइफ चल रही होती है, झटका आता है और आपको लग पता जाता है। बस आप उस दुख में ये सोच लें कि अल्लाह ने आपको अपग्रेड करना है, तो वो आपको इस पेन से गुजारेगा। हर पेन के बाद जो है ना, वो हीरा कहते हैं ना कि वो तराशने के बाद ही हीरा बनता है। अच्छा आइए शुरू करते हैं जरा, पहला चेंज सादिया से शुरू करें। सादिया की क्या स्लाइड है दिखाएं जरा, ये इनकी स्लीपिंग रूटीन हेल्थ। हाँ भाई, स्लीपिंग रूटीन है इसमें, एक स्लीपिंग रूटीन। क्या सादिया क्या हुआ है, क्या चेंज किया आप? देखिए आपने 22 साल अगर इंडस्ट्री में काम किया तो आपकी कोई रूटीन तो थी नहीं, क्योंकि मैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रात को लेट आती थी, आके नींद की गोलियां खानी और सो जाना। नींद की गोलियां क्यों? मैं मतलब सो ही नहीं सकती थी, मेरा दिमाग मेरे चलता रहता, बहुत तेज चलता, और स्टिल अब तक मेरे साथ ये है, मैं हाइपरटेंशन हूँ। तो मुझे नींद की गोली खाई, सो गई, 8 बजे का कॉल टाइम, क्योंकि मैं टाइम की शुरू से पाबंद हूँ, या 9 बजे का कॉल टाइम है तो मैं पहुँच गई। अब वहाँ कोई भी नहीं आया लेकिन हम पहुँच गए, तो उसमें नींद बहुत डिस्टर्ब रही। अच्छा फिर उसके बाद शादी हो गई, अम्मी की डेथ का होना, मेरा जर्मनी जाना, वहाँ वेदर का मुझे सूट नहीं करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें जिंदगी में। 22 साल जिंदगी में तो लगा ही नहीं आपको ऐसा कि कोई रूटीन आपको चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, नींद भी अच्छा कोई इतनी ज़रूरी होती है। माओं की वो बातें आप सबके साथ यकीनन माएँ कहती होंगी कि बेटे अभी जवानी है ना, लग पता जाएगा। तो बाकी वो लग पता जाता है जब आफ्टर आप 30 आफ्टर 40 आपको पता चलता है कि ओ माई गॉड, माएँ सही कहती थी कि अच्छा खाओ, टाइम से खाओ, टाइम से सो, ये नींद कितनी। तो मैंने अपनी रूटीन चेंज करी। सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ समझ आई कि नमाज़ें मैं पहले भी पढ़ती थी, नमाज़ें मैं अब भी पढ़ती हूँ, फजर के बाद सोना नहीं है। अब्बा कहते थे हमेशा कि फजर पड़ी है ना तो बेटा ज़रा सूरज का इंतज़ार करो, उसकी रोशनी को देखो, उसका शुक्र अदा करो, और फिर उसके बाद तुम्हें सोना है तो सो। पहले अब्बा की बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मेडिकली साइंस ने भी इसको प्रूवन कर दिया कि आपके लिए सुबह का उठना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे इस्लाम कहता है सुबह उठते रिस्क बढ़ रहा होता है, आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलें ताकि आपके हिस्से का रिस्क, आपके जो खुशियां हैं वो आपके घर में आए। तो मेरी कोशिश होती है मैं फजर पे जब उठती हूँ तो मैं वो टाइम लेती हूँ, छत पर जाती हूँ, टहलती हूँ, ब्रीद आउट करती हूँ, अपनी मेडिटेशन उस वक्त करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड देन उसके बाद जो मुझे सुकून की नींद आती है वो 1 घंटे की सही, लेकिन वो मेरी ज़ाती नींद होती है जिसमें कोई दवा नहीं शामिल होती। तो मुझे उससे बहुत फ़र्क अपनी सेहत में भी लगा है, कि वो आगे चल के भी मैं चीज़ें बताऊँगी कि एक आपकी स्लीप रूटीन जो है वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह चेंज और आपकी चिड़चिड़ाहट खत्म, आपके घंटे जितने आपको सोने के लिए चाहिए हैं वो आपके पूरे हुए, पूरे होते, आपकी चिड़चिड़ाहट खत्म, आपका गुस्सा खत्म, कितनी सारी मूड स्विंग्स खत्म करती है जब आप सोते, तुम भी तुम्हारा भी स्लीपिंग पैटर्न साथ ही शुरू कर वो कर देते हैं। हाँ मेरा स्लीपिंग पैटर्न ऐसा है कि मैं सोने से पहले ना मेडिटेशन लाजमी अब करती हूँ। अच्छा मैं भी करती आधा घंटा, हाँ जरूर, तो माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत दफा ये होता है कि आप सो तो जाते हैं, आपका माइंड सोता नहीं है ना, वो मुसलसल चल रहा होता है, चल रहा होता है, और वो ज़्यादा आपको जो है ना वो बॉडी ड्रेन कर देता है, ड्रेन कर देता है जब आप सुबह उठते हैं। तो जैसे रात में मैं नहीं सो सकी तो मेरी आंखें लेटी हुई थी, रिलैक्स थी, कोई वो नहीं, लेकिन वो माइंड मुसलसल चल रहा था। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की है, तो एक तो मैं वो मेडिटेशन करती हूँ, प्लस मैं सूरह मुज़म्मिल ये लगा देती हूँ, या मैं कभी सूरह मुल्क सुन लेती हूँ, वो हल्की आवाज़ में ना वो रिपीट पे वो चलता रहता है, तो वो जो एक सुकून मिलता है ना, पता नहीं, पावर ऑफ कुरान के जो अल्फाज हैं, अल्लाह ताला के अल्फाज जिंदा मौजज़ा है, काम करते हैं, मिरेकल करते हैं, वो दे आर वेरी पावरफुल।
तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है नींद की शिकायत नहीं हुई कि मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ भी परेशानी हो दुखों में सो जाती हूँ। कोई ये कहता है सो तो ये जाएगी, उठूंगी फिर सो जाऊंगी, कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लाइक कितने घंटे की नींद लेती हो? मैं मेरी एक्चुअली ब्रेक्स में होती है। मैंने जैसे 2-2.5 घंटे में सोई, मैं फिर उठ गई, मैं रात में उठती हूँ, फिर मैं रात में उठती हूँ, मेरे पता नहीं क्या सर पे सवार है, मेरे चलो बस अब तहज्जुद पढ़ लो, चलो बस अब अल्लाह को याद कर लो, तो फिर मैं वापस से अपनी थॉट्स में आती हूँ। मैंने थॉट्स पे बहुत काम किया है, तो मेरे मुसलसल ना अंदर अब वो चलता रहता है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स मैंने हर वक्त हर पल देखनी है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैं अब नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को आराम से बचा लेती हूँ। अच्छा, जब मुझे पता होता है, बिकॉज आपको सिर्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप अंदर चला के आ रहे हैं, ये थॉट आपको डिप्लीट कर रही है, ये थॉट आपको कमज़ोर कर रही है, हटाना पड़ेगा, वरना आप उसमें धंसते चले। और इसकी ना एक बड़ी सिंपल सी किरण और मैं, क्योंकि मेडिटेशन ये भी करती हैं, इनको भी पता है, ये इस बात को बिल्कुल वो करेंगी कि सेकंड्स की गेम है ये। देखिए कोई भी एक चीज़, जैसे फर्ज करें आप फिजी ड्रिंक पी रहे हैं, एक बड़ी सिंपल सी, आपने नहीं पीनी, आपने सेकंड में कहना है नो, बस जिस पल आपने कह दिया ना सेकंड्स के अंदर, वो सेकंड्स हैं नो, आप यकीन माने दूसरी दफा आपका दिल ही नहीं चाहेगा वो पीने का। और ये करके देखें, आप यकीन माने ये आपकी, आप कहेंगे कि सादिया भी मजाक करिए, आप अभी अगर सामने कोई चीज रखी है ना, फर्ज करें चाय रखी है, कुछ भी, आप सेकंड्स में जैसी वो आई आपके नो एंड से इट लाउडली, ये नहीं कि मन में बोल दिया नहीं मान रहा आपका जो भी अंदर शैतान है, नफ्स है, से इट लाउडली, बिल्कुल से इट लाउडली। कभी no. मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही होती है और मैं, मुझे लग रहा है कि मैं उसमें धंस रही हूँ, नहीं किरण अल्लाह तुम्हारे साथ है, मैं अपने आप से बात करना शुरू करती हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स, इट हैज रियली हेल्प्ड मी। तो वो जो आपका रब्त है ना अपने रब के साथ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये मैंने अपनी लाइफ के पिछले 6 साल में जाना और पहचाना कि वो जो रब है वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वही जिंदगी बदल सकता है। ये जो आपका बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले भी बताया था आपके शो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अल्लाह से डराते हैं, देखो ये ना करना अल्लाह, ये ना करना अल्लाह तुम्हें ये कर देगा, ये ना, अरे अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो तो मेरे एक आंसू पे मुझे माफ कर देता है। वो कहता है दिल से निकला तेरा एक आंसू तेरी पलक पे ठहरता है और मैं तुझे माफ कर देता हूँ, वो कैसे मुझे सजा देगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उससे तो सबसे पहले मेरी दोस्ती। अब आप मीरब से पूछे ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कहती है माय गॉड, गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब उसको कुछ चाहिए तो मैं कहती हूँ मीरब अपने अपने दोस्त से कहो ना, अपने दोस्त से मांगो, देखो वो कैसे करते। अब फहीमा का बताएं क्या है कार्ड, प्लीज। अच्छा, यहाँ पे भी यही चीज चल रही है। हाँ भाई, एक्सरसाइज और योगा। मेरा भी सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि मैं नमाज के साथ साथ ही बैठ जाती हूँ और लंबा अपना जो मेरे वज़ाइफ हैं सारे कनेक्शन विद अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला से बातें करना और सब कुछ बताना, ये सब इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज एंड योगा, ये मैंने कहा ये मैंने करना ही करना है। और ये तुमने बाद में शुरू किया? मैंने शुरू ऐसे किया जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन बैक की, तो मैंने कहा मुझे होती नहीं थी, बिकॉज एक्सरसाइज होती नहीं, आपसे स्ट्रेचिंग होती नहीं, आपकी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है। मैंने कहा मैं चाहे 2 मिनट करूँगी, 3 मिनट करूँगी, 5 मिनट करूँगी, इस तरह मैंने ग्रेजुअली इसको बढ़ाती गई, 5 मिनट, 10 मिनट, बट एवरी डे नहीं किया, तो ट्वाइस अ वीक किया, थ्राइस अ वीक किया या वंस अ वीक किया, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैंने इसको अपनी डायरी में लिख लिया कि मैंने योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, और नमाज भी योगा ही है जो हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज बैठना कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब किसी को प्यार करता है, किसी को कुछ अता करना चाहता है, उसको सजदे की तौफीक देता है। तो सजदे, जितने सजदे आप कर लें, अल्लाह ताला से सजदे में चले जाएँ, तो वो मैं करती हूँ। इस चीज़ की मेरी काफ़ी है, और हेल्दी रूटीन, जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, अल्लाह ताला आपको हर अच्छी चीज़ तक ले जाते हैं, हर अच्छी डाइट के पास ले जाते हैं कि जो आपके लिए अच्छी है। आप हर, आप कहते हैं, आप सोचते हो कि अल्लाह मेरी सेहत ख़राब हो रही है, अल्लाह ताला कहते हैं ये खा लो फ्रूट, ये खा लो। जैसे डॉक्टर उमर राहिल मुझे मिली शो में, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मेरी स्किन अच्छी नहीं हो रही है, तो कहती है कि तुम आंवला पाउडर और फ्लैक्सीड जूस कर लो। वो मैंने खाने शुरू किए, 1 हफ्ते में मैं सेट पे गई, कहते इतनी ग्लोइंग स्किन तुम्हारी हो रही है, इतनी अच्छी हो रही हो। वो यही है कि सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी, हाँ
प्रायोरिटी क्या है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दोस्ती और नमाज हमारी, ये तो वो है कि नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़ देना और उसके बाद फिर अपना ख्याल रखना। इसलिए ख्याल रखना कि अल्लाह ताला आपने मुझे ये जिस्म दिया है, मुझे इसका ख्याल करना है, मुझे इसको अच्छा रखना है। ये नहीं कि मुझे किसी को शो ऑफ करना है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत फिट हूँ, तकब्बुर नहीं, मैं इसका इसलिए ख्याल कर रही हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा बनाया है, अब मैं इसका ख्याल करना चाहती हूँ, मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो कहते हैं ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहाँ आपका ध्यान, जहाँ आपकी एनर्जी, मुस्कुराहटें बिखेरें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, योगा करें। तो मैं सबको ये बता दूँ, मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करो, ये सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज जो है, ये सारी पैसों का ज़िया है, शॉर्टकट है, जिसकी जो मर्जी हो, लेकिन अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छे नजर आएंगे, चाहे आप कितना भी खर्चा अपने चेहरे पर करा लें। मैं एक चीज और बताती हूँ, अगर आप ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, तहज्जुद की नमाज, ओ माय गॉड, आप एक हफ्ता पढ़ लें, जो नूर होता है और जो अट्रैक्शन होती है आपकी फेस पे, आप उस इंसान के साथ बैठेंगे, आपको फील होगा उसकी पॉजिटिविटी और नूर, फील होता है, उसको ऑरा ही चेंज हो जाता है। तो अल्लाह के बहुत खास बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। आप बताएं, उनको नसीब होती है। चेंज क्या है, बहुत सारे चेंजेस आए, इनका कार्ड क्या है ना? हाँ, कार्ड वॉक एंड जिम, वॉक आपका कार्ड है। अच्छा, उसमें जिम जाती है? हाँ, मैं जिम जाती हूँ। ओह माय गॉड, बिजी लेडी। और अगर गैप आता है तो फिर मैं वॉक शुरू कर देती हूँ। लेकिन ये दोनों चीजें तकरीबन 2 साल से 2 या 3 साल हो गए मैंने नहीं छोड़ी है। और जहाँ शुरुआत की थी तो क्या वजह थी, अब थकावट फील हो रही थी या क्या? एक्चुअली शुरुआत की थी जब बच्चियों के साथ शुरू की थी, उनकी शादी होने वाली थी तो उनको शौक था, तो उनके साथ शुरू किया, तो फील हुआ कि बहुत चेंज आया, बहुत आपके क्या ना प्रोसेस के अंदर, हर चीज़ के अंदर, थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, आपके लाइफ स्टाइल के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक चेंज आपको आता है। उसके बाद से भी मैंने नहीं छोड़ा। बच्चियों की शादियाँ हो गई, वो चली गई, हम सब साथ करते थे, मतलब कुछ भी होता था, अगर मैं जिम जा नहीं पा रही तो मैं उसको घर बुला रही हूँ, वो भी नहीं कि अब तो मैंने घर के पास जिम तलाश कर लिया, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। और अगर कभी जैसे मॉर्निंग का शो आ गया या कोई एक्टिविटी है, टूर है, तो मैं वॉक शुरू कर देती हूँ। हफ्ते में 4 दिन मेरी वॉक मस्ट है। अच्छा, इससे फ़ायदा आपने क्या? अच्छा, वॉक करने से, पता है सच्ची बात क्या, पहली चीज़ कि आप बहुत पुरसकून नींद मिलती है, आपको आपका फेस बहुत ग्लो करते, फ्रेश रहते, मतलब जो फ्रेशनेस मुझे वॉक के बाद आती है वो किसी चीज़ से नहीं आती। मुझे लगता है मैं बिल्कुल एकदम से नई हो गई हूँ। और अच्छा, मैं जब वॉक करती हूँ बिल्कुल अकेले और खामोशी के साथ, बिल्कुल तेज़ तेज़ वॉक, जबकि अम्मी अबू भाभी सब जाते हैं, बट लेकिन मैं अकेले कर रही होती हूँ। उसमें चेंज है कि आपको नींद आपकी बहुत अच्छी हो गई है, मुझे लगता है कि मेरे सारे स्ट्रेसेस दूर हो गए हैं, मुझे कोई नेगेटिविटी हिट नहीं करती है, मैं अपना आराम से निकल जाती हूँ, अपना वॉक किया, उसके बाद आराम से खाया पिया, तो वो जो चेंज है आपके। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हम सोचते हैं हम फिट रहें, हमारा वेट नहीं बढ़े और हम लोग हर चीज़ें बहुत अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो वो जो है वॉक से सबसे अच्छा मिलता है। मतलब कि एक एक्टिव जो आपका लाइफस्टाइल हो जाता है, और ख़ासतौर पे आप सुबह कर रही हैं तो सारे दिन के जो काम है वो करने में आपको जो एक एक्टिवनेस मिलती है ना, एनर्जी मिलती है, बॉडी के हर सेल को एक नई जिंदगी मिलती है। अब सुबह मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है, वो उठती सो ये ब्लड सर्कुलेशन है, वॉक आपकी बॉडी को टाइट रखता है, आपकी एज बढ़ रही है, आप अगर डाइट भी कर रही हैं, आपकी स्किन लटक रही है, मगर मुझे जो डाइटिशियन है उन्होंने कहा कि निदा वॉक करते रहोगे ना तो आपकी बॉडी आपकी जगह पे रहेगी। और सुबह की वॉक इसलिए अच्छी है कि आप दरख्तों से, नेचर से ऑक्सीजन लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हम जरा चेंजेस पे बात करते हैं कि कौन सी चेंजेस लाकर हमने अपनी जिंदगी में क्या महसूस किया, आप भी इसके बारे में सोचिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान,
वो भी लाइव वो चल रहा था, आपस की बात है, मैं भी इससे बहुत डर मैं भी बहुत डर रही थी छोटे बालों का चेंज लाने से मैं बहुत डर रही थी। और प्लस मेरे हैं फ्रिजी बाल, तो वो स्ट्रेटनिंग के बगैर इस मौसम में वो करके ना, मैंने कहा लो गिनी को नेक्स्ट डे फोन किया, गिनी स्ट्रेटनिंग कर दो, मेरे से तो ये बाल हैंडल ही नहीं हो रहे। लंबे बाल फिर भी आप हैंडल कर लें, शॉर्ट बालों को हैंडल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मतलब जब से मुझे ये अथॉरिटी दी गई कि मैं अपने बाल जैसे मर्जी बना, तो मम्मी तो रखती ही इतने थे ना बचपन में, तब से मेरे, जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ मेरे इतने तो रहे एक ही स्टाइल। तो तुम्हें क्या फील हुआ, तुम्हें क्या कॉम्प्लीमेंट? मुझे डर था कि नहीं, लेकिन जब तुमने शॉर्ट्स किए बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट, सेम जब मैंने शॉर्ट किए मैं कहीं भी जाती हूँ सब मुझे बोलते हैं, मुझे आइजा ने अलग से एसएमएस किया, मुझे सारी सेलिब्रिटीज बोलते हैं ये ऐसे ही रखना, लंबे नहीं करना। मैंने कहा वाह भाई ये तो अच्छा है, मैं और यंग भी फील कर रही हूँ। मुझे पहले होता था कि मुझे, जैसे मेरी अम्मी ने हमेशा जिंदगी में शॉर्ट बाल रख के, मुझे तो ये क्या है, फजीला जी ने भी शॉर्ट कर ली एक सर्टेन एज पे, सो मैंने कहा कि ये क्यों ऐसा करते हैं, ये क्यों बाल कटवा लेते हैं एक सर्टेन एज पे। अब मुझे खुद समझ आया कि आप जब छोटे बाल रखते हैं तो आप यंग लगते हैं, आप हैंडल आपको इजी हो जाता है, करनी पड़ती तो वो है। तो आप बताएं भाई क्या चेंज ऐसा जिससे आप डरती रही हैं सारी जिंदगी? यार वैसे तो नहीं, मतलब बज़ाहिर उसमें नहीं कहूँगी कि मेकअप में उसमें कोई ऐसा चेंज था, इसलिए कि अपनी मर्जी करती आई हमेशा। हाँ अंदाज में, लोगों से मिलने के अंदाज में बहुत, जैसे रवैये होते हैं हमारे कि अगर सादिया ने मुझसे कुछ कहा तो मैं सादिया को इनकार नहीं कर सकती कभी, मैं मेरा नुकसान कितना हो जाए, लेकिन अब मैंने इनकार करना सीख लिया। गुड, बहुत good. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मेरा मूड, मैंने नो कह दिया, नो कह दिया। ओह गुड, अपने आप को, मतलब ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी कमजोरी थी, इतना नुकसान उठाया लोगों की बातों के, बस मना कैसे करें, बेवकूफ बने जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी बहुत खुश हूँ और लोग भी बहुत खुश हैं। तो पता है कि कभी कभार आप फंस जाते हैं, हाँ बिल्कुल सीरियसली, और दूसरे जो है ना उसको मिसयूज़ करते हैं, वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन्होंने तो कभी मना करना, चाहे वो पैसे मांग रहे हैं, चाहे कुछ ले रहे हैं, कोई आपका वक्त ले रहे हैं, मतलब आप बस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ना नहीं कर सकते, लेकिन वो ना बस ये वेरी गुड। आप बताओ फहिमा। अच्छा निधा, मैं बचपन से ही ना हमेशा से शाय रही हूँ, मुझे कोई चाहिए था हमेशा से साथ साथ, कि मुझे अगर स्कूल जाना है, किसी से बात करनी है या ऑडिशन पे जाना है तो मुझे कोई चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए, भाई चाहिए, अम्मी चाहिए, नहीं नहीं आपने बात करनी है, नहीं नहीं मैं तो बात ही नहीं कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि वो हमेशा से था, लेकिन एक डर था कि मैं तो सही से बात नहीं कर सकती, तो अब उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब नहीं करती हूँ, फिर क्यों मैं डिपेंडेंट होती हूँ किसी और पे कि मेरा ये काम कर दे। तुम्हारे हस्बैंड आए तो हस्बैंड, और हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ये काम भी करो, तो इससे आपको काफ़ी आप इनकरेज होते हैं। और उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी, फिर मैं थोड़ी सी ऐसी हुई कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे किसी के साथ शेयरिंग पर रहना है, बहुत सोचा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से अकेले रह रही हूँ और सारी चीज़ें देख रही हूँ, अल्लाह की मदद होती है और आप सब कर लेते हैं। तो इतना डर और खौफ था मेरे अंदर, मैं कहती थी पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं अकेले रहूँगी बच्चों के साथ और पता नहीं आसमान गिर जाएगा और मैं नहीं रह, इवन अकेले कमरे में नहीं सो सकती थी, इतना डर खौफ था, लेकिन सो जाती हूँ, रुकिया लगाओ आराम से सो जाओ सुकून से। सादिया आप बताओ, किससे डरती रही हूँ? जिम को लेके बड़ा एक फियर रहा मैंने, क्योंकि कभी जिम नहीं किया। फियर? हाँ, तब मुझे लगता था कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब वो जिम छोड़ देते हैं तो वो फिर वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उनके मसल्स वो जाते हैं। अच्छा तो वो बड़ा डराया भी जाता है ना? बहुत सारे लोगों को अरे जिम करोगे और बढ़ जाएगा, जब छोड़ोगे तो हो जाओगी ये वो, कितना लोग डराते हैं ना। तो इसको लेके मेरा बहुत फियर था, मैंने कभी किया भी नहीं। आफ्टर शादी मेरे मियाँ, क्योंकि बिल्कुल ही जिम फ्रीक हैं, तो उनको ये था कि नहीं यार आप जिम किया करें आप, क्योंकि मैं वॉक बहुत करती थी, पापा क्योंकि वॉक करते थे तो वॉक मैं ज़रूर करती थी, लेकिन जिम में कभी, इंडस्ट्री में रहते हुए भी कभी नहीं गई। मैं जिम गई हूँ अपनी शादी के बाद,
और उसके बाद जो मैं रेगुलर जिम मैंने करना शुरू किया वो आफ्टर मीरब मैंने किया, जब मैंने 75 kg पुट ऑन किया। कितनी सारी औरतों को ये खौफ है, आपने खौफ में बात करते हैं, कि हम कहते हैं जिम हमें जाना है, हम जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, अपने कमरे में टीवी पे लगा के मोबाइल पे लगा के आप सब कुछ कर सकते। नहीं वो आप एक बात बताओ, ये बहुत डिफरेंट होता है। मैं योगा घर में करती हूँ ठीक है, और जिम के लिए मैं स्पेशल उठती हूँ। जब किसी चीज़ के लिए आप अंदर से तहिया करते हैं ना, मुझे उठना है, तो सबसे पहले आपने अपना मैसेज दे दिया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और ये मैसेज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसके जिम के कपड़े पहने, आपने स्नीकर्स पहने, आपने एफर्ट दिखाई, एफर्ट आपकी वहाँ लिख ली गई कि यार इसने अपने लिए ये एफर्ट दिखाई, ये एफर्ट ही आपको आगे लेके चलती है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जाए और जिम करें। मुझे हाइट फोबिया है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मुझे भी। तुम्हें क्या चेंज चाहिए? तुम्हें पैराग्लाइडिंग करनी है? पैराग्लाइडिंग वैसे मैंने की नहीं, पैराग्लाइडिंग नहीं, वो जो उस रस्सी से बांध के, वो क्या कहते हैं, बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग मैं नहीं कर सकती, मैंने तो नहीं करनी है मेरे जिंदगी में। मुझे कोई डर खौफ तो होगा मुझे नहीं, लेकिन मुझे ना जहाज से कूदना है ना मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, मुझे ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे भी लोग कहते हैं ना कि मेरा फियर है, इसको मुझे ओवरकम करना है, मुझे नहीं करना। अच्छा मुझे नहीं था ना, हमेशा खौफ के साथ रहने से बहुत डर लगता था। तो एक मैंने प्रोजेक्ट किया, एक मैंने प्रोजेक्ट किया से डर लगता था। हम टंडोला यार गए, वहाँ इतनी छुपकलियाँ थी, कोई दीवार की जगह खाली नहीं थी जहाँ छुपकली। तो तुम ये कोई बड़ी बात नहीं है कि छुपकली का डर खत्म हो गया, क्या करना है तुम्हें? नहीं तो मैंने कहा ठीक है ओके, ये भी कर ली। क्या करना है छुपकली का डर खत्म करके? घर में एंटर नहीं हो सकती थी अगर छुपकली हो वहाँ पे। अच्छा ये सही है, अब जो है ना मारनी खुद ही पड़ेगी। इतना ज्यादा डर जिसके अंदर हो और उसको अल्लाह ताला बोले ठीक है डर निकालो, क्यों डरती हो, छुपकली है बेचारी, मैंने बनाई है। वैसे स्टेज पे जब वो मुझे भी है, कोई यकीन नहीं करेगा मुझे, मैं स्टेज पे जाके मेरी कुछ होती है टांग। यहाँ बैठ के कुछ भी बुलवा लो, क्या ये स्टेज ही है ना? आज भी जब आप जैसी कह रही होती है ना कि और हमारे साथ है सादिया इमाम, अब यकीन माने वो 3 मिनट के लिए धक धक हो गई, बस थोड़ी देर बाद होता, लेकिन ये और ये फेयर ही आपको कामयाब कर रहा है। पता नहीं भाई, ये फेयर, ये मेरी टीचर थी मिस तला, जब हम स्पीच करते थे ना मैं कहती थी मैडम मेरी टांगों में लगता है सुन हो गई है, जान नहीं है मुझसे, नहीं ये स्टेज की 2 सीढ़ियां चढ़ी जाएंगी, और हर्बर्ट ट्रॉफी लेकर आ जाते थे स्पीच करके। एग्जैक्टली, मुझे वो साकिब खान ने कहा, मैंने प्रोजेक्ट किया भी खुशबू में बस खत, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने तारीफ की, तो मैंने कहा सर करने से पहले मेरी टांगे कांप रही थी, मेरी हालत खराब थी। क्या बोलते हैं, यही तो रियल टांगे कांप रही। अच्छा होगी बात, होगी, चलो अगली की तरफ। नहीं भी हुई तुम क्या होगी। कपड़ों में क्या चेंज किया? कपड़ों में अच्छा ऐसे जब मैंने इंडस्ट्री में थी तो आप हर तरह का कैरेक्टर कर होते हैं, साड़ियां भी पहनी, प्रिंटेड कपड़े भी पहने, शॉर्ट शर्ट्स भी पहनी, हर तरह के कपड़े। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज लाई, मैंने 1 कलर पहनना शुरू किया। मैंने भी 1 कलर पहनना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा चेंज है मेरी लाइफ में। और मुझे पहले मुझे था कि प्रिंटेड चीज़ें सूट मुझे अट्रैक्ट करती थी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं कहती थी यार इतने खूबसूरत इन्होंने प्रिंट, किसी और को देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही अपने तक आता है मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं पहन सकती। तो मैं 1 कलर की तरफ आई हूँ, और पिछले मेरे ख्याल 3-4 साल हो गए तुम लोगों को देखते हैं, मैं अब 1 कलर के अलावा कपड़े, हाँ अब जैसे ये भी पहना हुआ तो हल्का सा कहीं काम हो गया, लेकिन कलर बदलेगा, दुपट्टा सेम होगा, ये नहीं कि दुपट्टा गोल्डन हो जाए तो पजामा गोल्डन हो जाए, कमीज लाल हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता, वो सेम कलर चाहिए मुझे। तो ये है, ये एक बहुत नया चेंज है, मतलब लाइक ये वाला चेंज मैं भी अपने अंदर लेकर आई। अगर मैं पुराने अपने कपड़े देखूं तो ये मुझे नहीं, लेकिन उसके बाद सॉलिड और मिनिमलिस्टिक काम मुझे, और मैंने कलर्स ऐड किए, एक और चीज मैंने कलर्स, मेरे पास सारी रेंज व्हाइट, ऑफ व्हाइट, बेज और इसकी थी। मैं अगर आपको मुझे मेरे शोज याद हो, क्योंकि मैं पहले डिजाइनर्स ही पहनती थी, मैं अपने ही कपड़े पहनती थी तो वो सब एक जैसे लगते थे। अब मैंने अपनी जिंदगी में कलर ऐड किए हैं, तो वो अब मेरे पास ब्लू भी है, रेड भी है, पिंक भी है, हॉट पिंक भी है, जो मैंने जिंदगी में नहीं पहना, ऑरेंज मैंने कभी नहीं पहना था, मैंने इस दफा ऑरेंज बनाया जोड़ा, तो वो ये कलर्स जो ऐड किए ना ये मुझे अच्छा लग रहा है। वन सॉलिड कलर्स अच्छे भी लग, वेरी गुड, हाँ भाई नेक्स्ट, हील्स पहले बहुत पहनती थी अब नहीं पहनती, क्यों?
यार पता नहीं, पहले तो मेरा कॉलेज में भी था, पेंसिल हील पहन के मैं कॉलेज जाती थी, मेरा शौक था हील्स, इतना पहन के पूरा सब कुछ दिल भर गया, दिल भर गया। या वक्त के साथ इससे कि अब शायद ज़्यादा काम करना पड़ता है, या प्रोफेशनल लाइफ ऐसी हो गई है फिर बच्चों के साथ, लेकिन अब बिल्कुल दिल नहीं चाहता। आपने स्नीकर्स पहन लिए, जॉगर्स पहन लिए, या फ्लैट्स हील, बस शो की हद तक। मैं शादियों में भी नहीं पहनती, बिल्कुल नहीं पहनती। अच्छा जैसे आपस की बातें, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, हील्स आपका पॉस्चर अच्छा, पॉस्चर तो अच्छा करते हैं, लेकिन आप चप्पलें या ये इस तरह की खुसे बड़े यंग लगते हैं। सीरियसली अगर आप पतले हैं, अगर आपकी बॉडी ऐसी, जैसे मैं अगर ऑन स्क्रीन, मैं नॉर्मली फ्लैट पहनती हूँ, लेकिन मैं अगर ऑन स्क्रीन फ्लैट पहनती हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती, मुझ पे भी सूट नहीं करती वो, मेरी बॉडी अच्छी ही हील्स के साथ लगती है ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन हाँ ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर हूँ मेरा हील की बॉडी का पॉस्चर है जिस तरह का, या जिस तरह की उनकी फिजीक है, ये फ्लैट पहनने में ये यंगर लुक देती है। सो जैसे शाइस्ता को मैं अगर देखती हूँ, तो शाइस्ता की बॉडी जिस तरह की है, अगर वो खुस्से और चप्पले पहनती है ना, वो यंग लगती है, उसके ऊपर बहुत सूट करता है। कुछ बॉडी टाइप ऐसे जिनके लंबे मुंह हैं, पतली फिगर है, और पैरों के भी शेप पे भी फर्क, थोड़े लंबे और पतले नाजुक पैर, छोटे पैर, पैर ना छोटे अच्छे लगते हैं, उनमें अच्छे लगते हैं वो। अब हाथी जैसे पाँव, या कुछ लोगों के हाथ हैं खुले पाँव, उनमें अगर जब चप्पलें पहनी होती तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा सोच के आपको अपने पैर हाथ देख के भी बंद पहननी चाहिए, लेकिन ये कि जितनी हील्स है वो सिर्फ शो के लिए। अच्छा और में भी एक थैला आगे चलने के लिए, तो हमारी फ्लैट सी होती है, सिर्फ थैला आता है यहां हमारा भी। और ये बात शायद लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो शादी में जिस तरह की वो जूतियां पहनकर आते हैं, सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन की वजह से मुझे पता चली कि कुछ बॉडी टाइप पे फ्लैट सूट ही नहीं करती, आपकी पूरी ड्रेसिंग धड़ी की धड़ी रह जाती करती फ्लैट में, बिल्कुल नहीं पहन सकती, और मुझ पर अच्छी नहीं लगती। मैंने इतने खूबसूरत खूबसूरत खुस्से लिए, और जब मैं पहन के खड़े होकर दिखाऊं लम्मा लुबैना को, या जब आप बिल्कुल दुबली थी ना, हाँ जब आप टीवी इंडस्ट्री में, मुझे तब भी नहीं सूट करते थे, आप पहनती थी लेकिन साथ, हाँ लेकिन वो तो करेक्टर के लिए मुझे पहनने पड़ते थे ना, आप करे हर करेक्टर में, लेकिन वो मुझे मुझ पे सूट नहीं करते थे। मुझे एक चीज नबीला की अच्छी तरह याद है, वो कहती है सादिया इतनी सी पहने, आपने हील जरूर पहनी, लेकिन वो समझ नहीं थी, लिफ्ट होती है बॉडी, लिफ्ट होगी आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा रहता है, आप स्क्रीन पे अच्छे आते हैं, आपकी वॉक सबसे पहले। जैसे मेरी बेटी के ऊपर मुझे हील्स नहीं पसंद, ओके वो वैसे टॉल भी है ना, टॉल तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब टीनेजर बच्चियां हीलें पहनती है ना, वो उम्र से बड़ी लगती है, ये तो खैर मुझे नहीं पसंद। जब वो फ्लैट पहनती है मुझे वो ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन एक चीज और है, कुछ ड्रेसेस के ऊपर हील्स ही अच्छी लगती है, कुछ कुछ नहीं पसंद मुझे, क्योंकि बच्चियों को उतना ही शौक होता है, आपकी हील्स पहननी है, लेकिन मुझे बच्चियों के ऊपर पक्कापन लगता है, पक्कापन लगता है, मुझे भी नहीं पसंद। वो जॉगर्स पहने वाओ, हमने बचपन में हील पहने, वो खुस्से पहने, वो कोल्हापुरी पहने, बहुत प्यारी प्यारी लगती है, नाजुक लगती है। ये एक टिप है सारी खवातीन के लिए कि अगर उनकी बॉडी टाइप ऐसी है जैसे डॉक्टर उम्मेर आइल की है, तो वो जितनी फ्लैट पहनेंगे उतनी यंग लगेगी। एक टिप और, एक टिप और दे दे कि जब आप साड़ियां पहनते हैं या आप काम वाले कपड़े पहनते हैं, तो नगों वाले जूते ना पहने, आपके कपड़े छिट जाते हैं भाई। उस वक्त आप प्लेन पहने, हील ही पहने, जरूर पहने, क्योंकि वो आपको अच्छी लगेगी अगर आप पहनते, लेकिन उस वक्त नगों वाले जूते ना पहने, क्योंकि कपड़े भी खराब करता है और वो आपकी वॉक को भी खराब करता है। चले भाई इसकी वो है कार्ड स्लाइड, कलर सिलेक्शन जी, क्या किया है आपने? हमेशा से ना पेस्टल्स कर पहनती हूं, अच्छा लाइट चूजी, ये लाइट कलर्स, मोव और लाइट कलर्स पहनने पहनना ही नहीं है शादियों के, तो यहाँ सब ब्राइट कलर्स, ऑरेंज, रेड, रॉयल ब्लू, सारे डार्क डार्क कलर्स होता है ऐसे कलर्स पहनने, तो वो मेरी, और रेड लिपस्टिक लगानी, लिपस्टिक भी नहीं लगानी, ग्लॉसी पिंक पीच पीची कलर्स लगाने, तो मैंने चेंज किया, ऐड किया इन कलर्स को, डार्क कलर्स को तो अच्छे लगते हैं मुझे, मैंने येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्राइट कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपनी वार्डरोब बिल्कुल चेंज कर लिया, चेंज कर दी, ब्लैक कलर पहनना है, ऑरेंज पहनना है, रेड पहनना है, रॉयल ब्लू पहनना है, सब पहनना है। मेरी अम्मा ने सारी जिंदगी सादी सादी रही, बुढ़ापे में आके ऑरेंज पहना हुआ है, रेड पहना हुआ है, ये कलर्स पहने हुए। सो मेरे मेरा एक ससुराली रिश्तेदार कहता, आंटी
ऑरेंज पहना, मैं कह रही हूँ तो इवन शॉकिंग तो बोलने बोलते भी थे ना मम्मा को कोई के ऑरेंज नेल पॉलिश लगाई, ऑरेंज कपड़े पहने हुए, तो कह रही हूँ हाथ तो रेड कलर के जैसे शादियों ने पहने हुए ऐसे से कलर्स वो पहनती थी। दिल चाहते कलर है ना, ये सारा आपके मूड्स को भी बेहतर करता है, बहुत करता है, आपके कलर को भी एनहांस करता है, आपका कॉम्प्लेक्शन और भी एनहांस्ड लगता है। बिल्कुल, तो वो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद फील होता है कि हाँ इससे चेंजेस आते हैं लाइफ में कलर से, कलर का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जी आप हमारा भी कलर देख लें, कराची किंग का मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि HBL PSL सीजन 9 का आगाज तो हो ही चुका है और आज कराची किंग और पेशावर जलमी का मैच भी है, तो हम तो सपोर्ट करते हैं कराची किंग को, कराची वाले जो हैं। सो ये कराची का कलर जो है वो ब्लू ही है, ब्लू एंड रेड हमेशा से आप देख रहे हैं। और आज मैं क्या करने वाली हूँ अपने ऑडियंस को गिफ्ट करने वाली हूँ कराची किंग्स की ये शर्ट। मेरे सवाल पूछने पर आपके जवाब आएंगे और हम आपको फिर ये टी शर्ट गिफ्ट करेंगे। सवाल ये है कि कराची किंग्स की जो दो फास्ट बॉलर्स हैं उनके नाम बता दें। आए सादिया, मैं बताऊं? नहीं नहीं सादिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं मैं तो देख रही हूँ ना, PSL फॉलो कर रही हूँ इतने सालों से, तो मैं बताऊं। सो जी ये ब्रेक पर जा रहा है, मुझे जल्दी से आप जवाब दें और जीते ये कराची किसकी शर्ट। इससे पहले कि सादिया के मुंह से निकले ब्रेक के बाद देखिए और स्पॉन्सर्स बताने। हाँ ब्रेक पे जाने से पहले सादिया आप जरा मुंह बंद करके रखिएगा। इसका स्पॉन्सर्स है जी ARY लगुना DHA सिटी कराची एंड DHA गुजरांवाला टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं। इम्तियाज सुपरमार्केट प्लैटिनम सुपरमार्केट पार्टनर हैं। वीगो टेल प्लैटिनम मोबाइल फोन पार्टनर हैं। डॉलन्स रिलायबल अप्लाइंसेस पार्टनर हैं। मोगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर हैं। ईजी कलर स्टाइलिंग पार्टनर हैं। ताज दरबार रेस्टोरेंट पार्टनर है। योलो स्मार्ट वॉच पार्टनर है। रोज पेटल एंड मैक्सिब हाइजीन पार्टनर है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नहीं मैं पिंडी में थी। हाँ। जब पिंडी से शिफ्ट हुए कराची आए काम शुरू किया तो क्योंकि दादा दादी के घर पे हम रहते थे, मेरी बड़ी फूफो वहाँ आती थी तो मैं वहाँ रही, फिर पापा मम्मी भी वहीं आके रहने, तो कहते ना आसानी से एक जगह मिल गई तो आप रहना शुरू हो गए। इवन दो उसमें हैदर की शादी भी हुई, ऐसा नहीं, तो जैसे ही हमें मौका मिला आई भी ना, फिर हम तारिक रोड शिफ्ट हुए, हमने थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किया, फिर तारिक रोड से एक और फ्लैट में शिफ्ट हुए, फिर अब क्योंकि हमें लगा कि अब दो बच्चे हो गए, यार माहौल बहुत काउंट करता है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग किस, मतलब आपके भाई के दो बच्चे है ना, उनकी स्कूलिंग है, उनकी चीज़ें हैं, फिर हम जहाँ और एक और फैमिली बड़ी, हमें और अच्छा अल्लाह ने दिया, हम डिफेंस शिफ्ट हुए।
ताकि हमें और बेहतर माहौल मिले। तो मेरे हिसाब से आपको अपना इलाका, अम्मी को बहुत प्रॉब्लम थी, अम्मी ने बहुत बहुत उस वक्त पापा अम्मी दोनों ही नहीं चाहते थे कि एक तो उनके बाप का घर था कि मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता, इसमें यादें हैं। मैं कहा वो सारी यादें सब कुछ है, लेकिन वो जब आपको फलता फूलता देखेंगे, आपके बच्चों को अच्छा देखेंगे, आपकी सेहत को अच्छा देखेंगे, तो वो कितने खुश होंगे, उनकी रूह कितनी खुश होगी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम ये दरो दीवार संभाल के बैठे, इम्पॉर्टेंट ये कि उनसे जुड़े रिश्तों को हम बेहतर तरीके से संभालें। वो आप सब ने देखा कि मैंने अपने वालदैन को हमेशा बेहतरीन लाइफ देने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास ये चॉइस है तो अपना घर और अपॉर्चुनिटी है, जरूर चेंज करें, वसाइल जरूर चेंज करें। जैसे गाड़ी कोई ले लो ना, मतलब पहले कोई ये गाड़ी थी, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, फिर बड़ी, अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना। आप बताएं क्या ये भी शुक्राने में आता है आपके पास? आप बताएं कि आपको अगर कोई इलाका चेंज करना पड़ा हमने तो किया। जैसे हम लोग जब कराची आए थे, जब मतलब पेरेंट्स का बताऊं तो अजीज़ाबाद में आए थे, उसके बाद नॉर्थ शिफ्ट हुए थे, फिर डिफेंस गए थे। हमारी मतलब मेरी जो बहनों की शादी थी वो डिफेंस से हुई थी। फिर जब सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो फिर अम्मी अबू वापस अपने घर नॉर्थ आ गए। अच्छा, वो नॉर्थ वाला घर आप लोगों का अपना था? वो भी डिफेंस का भी था, लेकिन वो वापस से घर बड़ा था, शादियाँ हो गई, फिर वो था ना पुराना मोहल्ला, और इस वजह से फिर अम्मी अबू फिर वापस आए, सबकी शादियाँ वादियाँ करके, भाई वो एक अटैचमेंट थी, क्योंकि माँ बाप को वहाँ सकून मिल रहा था। शुरू से सिर्फ छोटे छोटे बच्चे वहीं से मतलब पले बड़े थे, लेकिन जब जैसे मेरा था कि मैं गुलशन में रही, फिर डिफेंस में रही, फिर वापस अभी वापस अम्मी अबू की तरफ आई नॉर्थ में, लेकिन मैंने अपने बच्चों का जहन में रखा हुआ था हमेशा, एक ही शर्त थी शादियों की, दोनों की शादियां मैंने बाहर की, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान में शादी करनी ही नहीं, ये मेरी चारों की शर्त है मेरी। आपने आपने ये रख लिया? ओहो, मतलब आप ये सोच रही हैं मैं जॉगर्स पहनूंगी, कभी एक मुल्क जाऊंगी बेटी के साथ, अभी 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 भी यही होता है, इधर निकल के अभी इधर निकल के, मैंने कहा दो की एक ऑस्ट्रेलिया चली गई एक सऊदी, जबकि पेरेंट्स जो है वो कहते कि नहीं हमें बाहर नहीं भेजना, कभी भी नहीं। मैं कितने रिश्ते आ जाए, मैं वो खैर अल्लाह ने लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन एक ख्वाहिश जो होती है ना वो शुरू से ये कि बच्चियों को चारों को अलग अलग भेजना है। अम्मी अबू सब लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं कहा नहीं वो तो नसीब, ये क्या वैसे ख्वाहिश है, क्योंकि माँ बाप तो कहते हैं अपने आप से गरीब है। नहीं नहीं, देखो आजकल कोई भी दूर नहीं है, लेकिन आप देखो ना, आप अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं, आप फ्यूचर, फ्यूचर भी तो देखना है। अभी कोशिश ये होती है कि चलो पढ़ते हुए निकाल दो उनको, शादियाँ कर दी, लेकिन मेरा हमेशा ये कि जैसे अल्लाह ने लिखा या मौका मिला तो उनको मैंने निकाल देना, अब जैसे अल्लाह ने लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस ये है, कोशिश है। मैं तो खैर घूमती रहती हूँ। हाँ ये तो है, ये तो है। हाँ भाई किरण, तुम बताओ, तुमने जिंदगी में जो चेंजेस इलाकों को तब्दील करके किए हैं उससे? नहीं, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इलाके, मुझे वैसे खैर शुरू से था कि मुझे डिफेंस एरिया में जाना है, मेरी शादी होगी तो मैं कहीं डिफेंस वाले कोई वो करूंगी, बट मुझे मैटर नहीं करता इन द सेंस कि अगर मुझे पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर भी कुछ काम हो या कुछ करना पड़े तो मैं वहाँ भी सेटल हो जाऊंगी। कुछ लोग मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अगर काम है तो, बिना वजह नहीं, काम के लिए तो फिर तुम ये कि तुम खुद काम करती प्रायोरिटी काम होना चाहिए, फिर मैं कहीं भी रहूं तो मुझे तुम्हें प्रॉब्लम, मुझे अटैचमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सहूलत ऑफ कोर्स देखता है कि ऐसे इलाके में रहो थोड़ी सी सिक्योर है, तो मैटर करता है वरना नहीं। फिर तुम बताओ निदा, मुझे तो काफी चेंज करने पड़ी होंगी ना, मुझे मजा आता है चेंज करने में। मुझे मुझे इतनी आदत है कि अगर मेरा रूम है और बेड ऐसे रखा हुआ है तो मुझे ऐसा चाहिए, कभी मुझे ऐसे चाहिए, कभी मुझे ऐसे चाहिए, मुझे चेंज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर चेंज करना, आप अपनी हैसियत के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन घर की चीजें मुझे चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, ये चीज ठीक है निकाल दो, नहीं ले आओ ये वाली कर दो। तो हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे इस बात से कि एक दिन हमारी शादी हुई और मैंने बेड की साइड चेंज कर दी, वो तो ये कि नहीं ये मेरा बेड साइड है तो ये यही होगा। मैं अभी गई हूँ शिकागो तो पीछे आई तो मेरे मियाँ ने जो है कमरे का जो था वो सेटअप चेंज कर दिया, और मैंने आते ही मैंने कहा लॉ ये अच्छा है ये बुरा है, अरे हाय रंग तू ऐसा कर दिया ये, मैं जब से कुड़कुड़ 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 कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा पसंद नहीं आ रही वो चीज, आई डोंट नो व्हाई। आप दोबारा चेंज कर दे, दोबारा चेंज कर दे, उसको भी चेंज कर दे, वो माइंड कर, मुझे तो चेंज बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे कह रहे मम्मा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपके कितने दिन अच्छा लगेगा ये देखते हैं। जिंदगी में अगर कोई घरों का चेंज आया तो मेरे मियाँ की तरफ से आया, अगर हम अपार्टमेंट में रह रहे थे मैं उधर भी खुश थी, मैं कहा हाँ वेरी गुड सही है, नहीं नहीं हम वहाँ रहेंगे अब,
अच्छा चलो मुझे शिफ्टिंग अच्छा। करने से बहुत अच्छा। कोफ्त होती अच्छा, मुझे अच्छा लगता मुझे भी अच्छा लगता है इतनी कोफ्त होती है मुझे लगता है कि सफाई हो जाती है चीज नहीं मैंने मुझे कह रही तुम बाहर आ जाओ तुम बाहर शिफ्ट हो जाओ पाकिस्तान नहीं छोड़ना ये मेरा दिल मुझे भी बहुत मेरा दिल ऐसा हो जाता है मैंने कहा पाकिस्तान में ही रहना है मुझे आई लव पाकिस्तान मुझे घूमने की अब तक पसंद लेकिन कहीं रहना है घूम के एंजॉय करके आ जाऊं वापस हाँ, वापस ये और कराची अपनी रूट्स है ना है ना रूट्स की वजह वही ना यूज्ड टू है ना एक एक इलाका पता है कि किधर जाना है किधर गली में जाना है शॉर्टकट किधर से घूमना है नेविगेटर हो ना हो बत्ती कब जाएगी गैस कब जाएगी हर सब चीजें इम्यून है ना हम इसको ओन करते हैं कि ओनरशिप है हमारा है बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी अब दिखाएं स्लाइड्स पूछ लिया मैंने इनसे लाखों की चीज जी हल्दी हल्दी दूध हल्दी दूध ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है आपका डाइजेशन के लिए एंटीसेप्टिक इन्फ्लेमेशन हर चीज के लिए हल्दी के फायदे तो हमें पता है बट फ्रेश हल्दी ओके सब्जी वाले से फ्रेश हल्दी लाकर उसको छील के तो धो के अच्छे से मैंने उसको रखा हुआ है जब मुझे चाहिए होता है एक टुकड़ा निकाल के ना उसको ऐसे श्रेड किया एक कप दूध में वो डाला और थोड़ा एक चमचा या आधा चमचा घी डाला उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ी सी इलायची पाउडर खुशबू और जायके के लिए और काली मिर्च मैंने कई चीजें देखी थी दूध के अंदर पता भी नहीं चलता हल्दी दूध के साथ तो बहुत अच्छा और मैं अगर मिठास चाहिए तो मैं थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ मुझे ज्यादा मीठा नहीं रात को पी के सोती हूँ हाँ मैंने ये स्टार्ट किया है क्योंकि कैसा फील हो रहा है मुझे अच्छा फील हो रहा है मतलब स्टमक में ना मुझे अच्छा फील हो रहा है या तो वो शायद एक बिलीफ है कि आप स्टमक को लेके सोच रहे हो वरना ये जो गोल्डन मिल्क है जो आपने गोल्डन मिल्क है हर बीमारी के लिए बहुत अच्छी है मक्खन या एंटीसेप्टिक है ना मतलब हल्दी का है एंटीसेप्टिक डाल उसके अंदर काली मिर्च का ये है कि जो आपकी हल्दी के फायदे है ना वो उनको और एनहांस करता है आपका गला हो गया है आपका लंग्स हो गए मुझे तो जमाना हो गया दूध पिए चुटकी काली मैंने दूध मतलब पता नहीं मुझे मैं गिनती नहीं कर सकती मैंने कब से दूध नहीं करें गोल्डन मिल्क आप शुरू करें आपको बहुत वॉमिट फील होती है दूध से आई डोंट नो मुझे हल्दी है मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूं फुल क्रीम थोड़ा सा लो मैं थोड़ी क्वांटिटी में पूरा मग नहीं हाफ क्वांटिटी में क्वार्टर टीस्पून घी डाल दिया थोड़ी सी वो हल्दी डाल दी इतने से तो स्टार्ट करूं अच्छा ये आप तो बना रही हो फ्रेश मैं तो पूरा जार बना के रखती हूँ हल्दी काले मिर्च शहद और घी या मक्खन बट उनमें राहिल आप ड्राई कर रही होंगी ना मैं तो वो घीली वाली हल्दी हाँ लेकिन ड्राई पेस्ट बना के रख ले उसमें एक चमचा निकाला रात को दूध में मिलाया और पी लिया पूरी सर्दी आप बिल्कुल फ्रेश और अगर आप इसको ना मॉर्निंग में भी पीते हैं तो भी बहुत अच्छा है मैं मॉर्निंग में पीती हूँ और मैं पानी के साथ पीती हूँ क्योंकि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा तंग करती हैं वो मुझे हल्दी पानी के साथ हाँ सब चीज़ गर्म पानी सेम यही चीज आप हल्के नींबू पानी के साथ कहते हैं कि हल्दी को दूध के साथ जी लेकिन उसमें दूध में हल्का सा मिक्स कर अच्छा हाँ ठीक है क्योंकि मुझे डेयरी का ये मुझे भी कहते हैं बग के साथ आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज आपको तंग कर रही तो ये भी मैंने बग के साथ सीखा कि कौन सी चीजें मुझे ब्लोटिंग करती थी कौन सी चीजें गैसेस करती थी कौन सी चीजें प्रॉब्लम करती थी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ये स्वेलिंग है ये स्वेलिंग आप सही कह रही हैं अब आपको मेरे छोड़िए वरना मैं कहती थी सादिया मुझे स्वेलिंग आपका मोटापा स्वेलिंग वाला है तो वैसे नहीं बॉडी टेंशन ज्यादा तो मैंने जो जो चीजें अपनी जिंदगी में चेंज करी मैं ये रोजों में तो नहीं हो पाता लेकिन वरना मेरा डेली सुबह मॉर्निंग का जो वो है ये हल्दी वो मिला के मुझे आपकी वाटर डिटेंशन खत्म हो जाती है वो खत्म हुई उसके अलावा सबसे बढ़कर डिटॉक्स करता है वो आपको एक चीज जो मैं जरूर आपको बताऊंगी मुझे कॉन्स्टिपेशन का शदीद मसला बचपन से और ये हमारा फैमिली मसला ये मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया ये हमारी फैमिली में रहा जिसकी वजह से मैं हमारे दो कजन्स की डेथ हुई क्योंकि जो आपकी गट है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती ठीक है और गट का कैंसर अगर आपको एक दफा हो जो बड़ी जिसको आप आंत भी कहते हैं वो अगर कैंसर आपको हो गया तो फिर आप गए ठीक है तो वो चीज़ें मैं बचपन से देख रही थी उस वजह से मैंने इतनी दवाइयाँ कभी कोई कभी कोई जिसने जो रेमेडी दी मैंने हमेशा सारी ज़िंदगी की मतलब लेकिन अब पिछले मैं कहती हूँ एक डेढ़ दो साल से चीज़ों को समझना कहते हैं ना ये एक मोबाइल जो आपके हाथ में होता है ना इसमें इतनी चीज़ें अगर आप इसको समझना चाहें मैंने अब क्या मैं करती हूँ एक लीटर पानी में चार चम्मच इस्बगोल होते हैं
डेली के, ये मैं आपको बता रही हूँ, 4 चम्मच इस्पगोल, 3 चम्मच चिया सीड्स या तुखम बलंगा, जो आप ये दो अलग है लेकिन फैमिली एक है, ठीक है, मैं चिया सीड्स लेती हूँ, 1/2 चम्मच कलौंजी डालती हूँ उसके अंदर। इन सारी चीज़ों को पूरी रात आपने फ्रिज में रख दिया, पानी 1 लीटर पानी में भिगो दिया। अब आप सुबह उठे, आपने उसको खूब अच्छे से चलाया क्योंकि वो जम जाता है, चलाया आपने अपनी बोतल में शिफ्ट किया और पानी ऐड कर लिया, पानी मज़ीद ऐड किया और उसको शेक करके अब आप वो पीते रहे। यकीन माने मुझे इस पूरे काम को करते हुए अब 3rd-4th महीना है, ये मैंने अभी मुझे पता चला, एंड आई एम सो रिलैक्स। मुझे जो सबसे ज़्यादा, मेरी ब्लोटिंग ख़त्म हुई, मेरी गट स्ट्रॉन्ग हुई, आपके चेहरे पे शाइन अलग आ गई, आप यकीन माने। और जो सबसे ज़्यादा मुझे गैसेस का मसला रहता था ना, मुझे इतनी पेन होती थी, मुझे अपनी नानी याद आती थी, वो हमेशा कहती थी अरे हमारी गैस घूम रही है, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, एग्जैक्टली को ये चूरन कभी वो चूरन, इतने मसाए। मैं आप सबको दिल से ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दफ़ा मेरे कहने पर करके देखें। मैं दोबारा बता देती हूँ, 4 चम्मच इस्पगोल, 3 चम्मच चिया सीड्स, 1/2 चम्मच कलौंजी, ये आपने भिगो के रख दिया। उसके बाद आपने 1/2 लीमू, जितना आपको लेमन सूट करता है, 1/2 लेमन सुबह के वक्त आपने स्क्यूज़ किया। आप यकीन माने ये आप 2 हफ्ते पियेंगे, 2 हफ्ते बाद आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है। और ये सारी हेल्दी चीज़ें मेरे साथ ही बैठी, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको गलत बताई हो। मैं ये खुद करती हूँ, मैं हमेशा ज़िंदगी में हर वो चीज़ बताती हूँ जो मेरे ज़िंदगी में मैंने अप्लाई खुद की हो, खुद की। तो इससे जो सबसे बढ़कर मेरे चेहरे की स्वेलिंग ख़त्म हुई, मेरी, मैं हर वक्त पेट फूला रहता था, बॉडी मेरी इतनी, मैं कहती थी या अल्लाह मैं इतनी डाइट करती हूँ, मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, मसला मैंने चने की दाल छोड़ी, मेरी ज़िंदगी से मैंने दालें निकाली क्योंकि वो आप बहुत सूट नहीं करती, नहीं दालें हेल्दी, मुझे पता ही अब चला है कि यार ये जो मैं चने की दाल शौक से कटी हुई प्याज और हरी मिर्चे और रोटी से खानी है, थोड़ी देर बाद आपको पता चल रहा है ब्लोटिंग, आपको तो ये सूट ही नहीं करी, गरम गरम दूध शहद में मिला के दे दो, रात को अच्छी नींद आएगी। वो भाई वो ना दूध हजम हो रहा है ना आपको उल्टी प्रॉब्लम, ये तो बाद में पता चला कि कुछ चीजें आपकी बॉडी के लिए नहीं है, कुछ चीजें आपको नहीं सूट कर रही, तो ये भी आपने समझना है, प्लीज नोट करना है, नोट करें कि किन चीजों से आपको क्या होता है, और कुछ टेस्ट अपने करवाते रहने चाहिए, उससे भी आपको पता चलता है। जबरदस्त यार, ये मतलब बहुत अच्छी बात बताई, मतलब लाइक टॉक ऑफ द शो है, इसका ठीक होना सबसे बेस्ट है, आपकी गट के गट का सब कुछ, आप सबसे हेल्दी हैं अगर आपकी गट स्ट्रांग है तो। इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक, बस आज के शो का जो फर्ज था वो निभा लिया हमने, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी में हम चेंजेस लेकर आए हैं अपनी बेहतरी के लिए, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, और अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किसकी है। स्किन चेंजेस, हाँ भाई ये भी बहुत, ये मैंने ना स्किन केयर की चेंजेस भी हम बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी तो स्किन वैसे भी यूं दिखने में सही होगी, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि इतने ज़्यादा उसमें छुपाए निशान और टेक्सचर और ड्राइनेस, तो मैंने ये रेटिनॉल जब ये रेटिनॉल वाला फीवर चला था तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, रेटिनॉल क्रीम और एक वो हाइलुरोनिक एसिड उसका सिरम।
नेचुरल जो ऑयल आता है वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेस और उस चीज़ में एक ग्लो देता है। सर्दियाँ जो है वो मेरी स्किन को अकड़ा देता है और ड्राई कर देता है। कितनी क्रीम लगाएंगे, एमोलेंट्स लगाएंगे, वो बात नहीं आती, नहीं नेचुरली होती है। हाँ, सो मुझे ये लगा कि ये मौसम जो अगर सर्द इलाके में जब छुट्टियों में जाती हूँ मेरी आंखों के ऊपर की स्किन अकड़ जाती है। नहीं तो नेता, आपका सर्दियों में थोड़ा इंटेक, आप बुरा ना माने, हमने बचपन से सुना होगा नेबल में ना ऑयल डाला। हाँ। आपको मैं एक चीज कहूँ, आपकी स्किन खराब होती, आप अपने सरहाने में जैसे हमारा नेजल स्प्रे होता खाली हुआ, हाँ। उस नेजल स्प्रे में आप ऑलिव ऑयल हो गया, हाँ। उसको आप भर के रखें, अच्छा सोने से पहले अगली अपनी सर्दी नाफ में तेल, वैसे भी डालेंगे आप अभी से डालना शुरू करें, आप देखिएगा कि आपकी पूरी स्किन, पूरे जिस्म की बॉडी की स्किन में क्या चेंजेस आना शुरू होती है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों पे जैसे हम चीजें खराब करने में टाइम लगाते हैं ना चीजें ठीक होने में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सर्दियां तुम्हारे लिए बहुत बेहतर। मैं क्या गलती करती हूँ, एक तो सर्दियों में ठंडे गर्म पानी से नहाती हूँ, गर्म पानी से सर धोती हूँ, मेरी पूरी बॉडी भी खराब कर देती है, डैंड्रफ हो जाती है। पानी से भी अगर नहा रही हो ना आखिरी के 10 सेकंड, आप समझ आइए मुझे, अब बताया 10 सेकंड ले लो कोल्ड शावर, अब मुझे समझ आई किसी ने आप बताया कि आखिरी जो है ना वो कोल्ड शावर 10 मिनट्स हॉट शावर 10 सेकंड। तो मैंने कहा पूरी सर्दियां इतनी मैंने बर्बादी में गुजारी, क्रीम लगा लगा के पागल हो गई, खारिश नहीं खत्म हो रही, सर में डैंड्रफ हो गई। सो मैंने कहा यार शुक्र है कि मैं गर्म इलाके में रहती हूँ, अब मुझे पता है ना जो एक्सट्रीम गर्मियां आएंगी फिर हम तरसेंगे इस दिसंबर का, और दिसंबर में मुझे जो है ना वो बिल्कुल वो कहीं और घूमने जा रही हूँ ठंड में, आंखें पूरी आंखें अकड़ जाती, ड्राइनेस तो इसके इंटरनली भी ड्राइनेस, मैंने इसलिए कहा ना इंटरनल ड्राइनेस है, और वो इंटरनल ड्राइनेस जब तक आप नेबल में ऑयल नहीं डालेंगे वो इंटरनल ड्राइनेस नहीं जाएगी। उसमें डालें और पीने में भी डालें। अच्छा, सब अपना स्किन केयर बताएं क्या चेंज किया, जैसे इसने कहा कि मैंने ये चेंज किया, मुझे तो बहुत, तुम बताओ तुम्हारी स्किन केयर में कुछ चेंजेस किए? मैंने हर चीज नहीं अब यूज करती, एक प्रोडक्ट अच्छी यूज करती हूं, अच्छी एक यूज करनी है स्किन, या डे या नाइट। समटाइम्स डे में यूज नहीं करते बिकॉज बहुत ऑयल आ जाता है मेरा, सनब्लॉक लगा रही, सनब्लॉक लगा लेती हूँ, सनब्लॉक लगाया और रात में नाइट क्रीम लगा ली, दैट्स इट। और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसमें फ्रूट्स होने चाहिए, पानी होना चाहिए आपकी, जैसे कावा पीती हूँ मैं, सौंफ और जीरे का लेमन ये वाला कावा पीती हूँ, इससे बहुत अच्छी आपकी स्किन होती है, ग्लो अच्छा होता है इलायची वाला कावा। इसके साथ आप बालों के लिए ये करती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, बहुत अच्छा मुझे शुरू लग रहा है, प्याज के छिलके, घर में सबके होते हैं प्याज, खाना बना रहे प्याज के छिलके अलग कर ले उसको एक कप पानी में, मैं ये किसी तेल के बारे में नहीं बता रही, खुदा के वास्ते चीटर लोग इश्तेहार ना बना दीजिएगा, जब इश्तेहार ही झूठा है तो तेल कैसा होगा, तेल कैसा होगा, खुदा के वास्ते आपकी भी शक्ल लगी हुई है, मेरी भी लगी लगाई हुई है, मेरे शो पे जो आता है उसको लगा देते हैं, खुदा के वास्ते गलत, 2000 रुपए का तेल है मत खरीदिएगा, हम हमारे से बेहतर है अपने तेल खुद, अपने ऑयल, इतने हम रेसिपी सब ये लोग बताते हैं, अपने ऑयल घर में खुद बनाएं, जो इश्तेहारी चीटर बना रहे हैं, जो हमारे शो से क्लिप्स उठा के अपना इश्तेहार बेच रहे हैं, मैंने भी अपने पेज पे फेक लगाया, साजिया ने भी लगाया, आज ही लगाया देख ले साजिया के पेज जी, इसलिए बिल्कुल। तो प्याज का छिलका और उसमें एक चम्मच पत्ती डालें और उसको पका लें, जो पत्ती पत्ती डालें चाय की पत्ती, उसको पकाएं और पकाने के बाद छान के डाई भी आ जाएगा, नेचुरल डाई, नेचुरल डाई भी आ गया ना, अब मुझे पता चला तुम्हारा कलर चाय की पत्ती कलर है, अब मुझे समझ आ रही है। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो आपके थोड़े थोड़े जो सफेद बाल निकलने शुरू होते हैं वो भी आपके डार्क होने शुरू हो जाते हैं और नेचुरली आप हसीन और खूबसूरत हो जाते हैं। कितनी चालाक है। अच्छा, इसमें ये करना चाहिए कि जब वो सिरम लगा रहे तो स्टीम टॉवल जरूरी होता है, जरूरी वो जरूरी है बालों के लिए, स्टीम देना बहुत जरूरी है स्किन को, और उसके लिए बड़ा आसान है कि आप अपना बताया ना करें और माइक्रोवेव कर लें, माइक्रोवेव वो स्टीम हो गया आपका टॉवल है ना, ताकि मतलब लोग गर्म पानी में कैसे निचोड़ेंगे। अच्छा, मैं क्योंकि आपकी स्किन हमेशा से अच्छी रही है, सो मच, लेकिन अभी लेटेस्ट क्या चेंजेस आए? लेटेस्ट ये चेंजेस हैं कि हमेशा से आप सबको पता है कि मैंने ना कभी कोई महंगी क्रीमें नहीं लगाई, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे चीज़ें नहीं समझ आती, मैं वैसलीन पे रही, मैं वैसलीन लगाती हूँ, मैं हमेशा बताती रही, मैंने जब ये बहुत ज़्यादा आपने रेटिनॉल और इसका मैंने सुना, तो मैंने ना इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ी, मैंने बीच में एक शोध हमने किया था उसमें बताया था,
उस इन सारे चीजों में जो सबसे चीज कॉमन है वो आपको पता है, वो है ग्लिसरीन। मैंने कहा यार जब ग्लिसरीन डायरेक्ट है तो क्यों ना, मैं तो वैसे ही लगाती हूँ। तो मैं अब क्या करती हूँ, दो कतरे ग्लिसरीन लिए ऐसे ऐसे ऐसे, जिस जितने देर में टीवी देखती हूँ ग्लिसरीन चिपचिप करेगी, और मुंह पे हल्का सा उसका मसाज किया एंड छोड़ दिया। और ये ड्राई स्किन है इनकी, दाने वाले मेरी तरह के लोग खुदा के वास्ते ग्लिसरीन ठीक है तो दूर। अच्छा ग्लिसरीन का आलिया की है स्किन ऑयली, उसको बहुत सूट करी है उसके स्किन पे दाने, लेकिन उसको सूट करिए क्योंकि ग्लिसरीन जी अच्छा, ग्लिसरीन चिकनी नहीं, चिकनी नहीं है। आप पहले समझें ग्लिसरीन चिकनी नहीं है, वेजलीन चिकनी है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन आप लगाएंगी और खुश्क हो जाएगी। आप ग्लिसरीन को अभी कीजिए, वो शहद की तरह मीठी होती है, उसके उसकी चीज ही बिल्कुल अलग है। वो आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट कर देती है। वो मैं सिर्फ 2.5-3-4 घंटे लगा के, जितनी देर मैं टीवी देख रही हूँ मैं उतनी देर वो लगाती हूँ। उसके बाद ठंडे पानी से अपना मुँह हाथ धोती हूँ, कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करती, कोई कुछ उसी में धो जाती है। उसके बाद अपनी हल्की हल्की सी वेजलीन, हर बार मैं सबको बताती हूँ कि वेजलीन भरनी नहीं है, वेजलीन आपने यूँ करके जैसे आपको मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं वो मैंने लगाई एंड दैट्स इट। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो मेरी चेंजेस में है ये ग्लिसरीन मैंने ऐड किया, तो मुझे बड़ा अच्छा उससे एक पोर्स बंद हुए, स्किन मेरी वैसे अच्छी है तो मुझे अच्छा ही लगा है। तो बड़ा मजे का चीज़ है, ये अच्छी बात है कि ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। आप देखें एक दफा ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, आप ट्राई करके देखें क्योंकि ये नेचुरल चीज है, ये कोई कंपनी की या कोई इसमें मिला हुआ एसिड कुछ नहीं है, नेचुरल है। तो वो मेरा ख्याल है रीजनेबल भी है, आप बताएं क्या चेंजेस किए हैं। कितना अर्सा हो गया आप लोगों के साथ, अभी जो है ना जो चेंजेस जो पहले आए, पहले हम फैशन पे जाते थे, लाइक मैं जो पर्सनली पहले हर चीज़ फैशन वाली करनी थी, अब मैं फैशन को हटा के अब मैं आ गई हूँ हेल्थ एंड कंफर्ट के ऊपर कि वो जो आपके स्किन के हर चीज़ के लिए जो हेल्दी है। अच्छा उसमें क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं अपने स्किन पे तो हमारे स्किन का सेल जो है ट्रॉमेटाइज हो जाता है, पिगमेंटेशन एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। अब मैंने अपनी स्किन को आराम देना शुरू किया, कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं भी जब मेकअप उतारती हूँ ना मैं थोड़ी देर खुला छोड़ती हूँ, बहुत अच्छा मैं कुछ नहीं मुंह पे लगाती, पानी से मैंने कहा सांस पानी मेरे सांस ले। और जिनको भी ये शिकायत है कि स्किन बहुत डैमेज होती चली जा रही है उनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाए और सनब्लॉक। अब ये रूटीन और आपको खुद जो चेंज नजर आएगा ना आप हैरान हो जाएंगे कि अरे मैं तो इतनी महंगी महंगी चीजें कर रही थी और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। अब सब कुछ छोड़ के जैसे आपने कोई तेल लगा लिया, अगर स्किन ड्राई है विटामिन ई ऑयल लगा लिया, या जैसे ग्लिसरीन लगा ली है, या सिंपल मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक, आपको इतना अच्छा लगेगा मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्किन मेरी कभी नहीं हुई, कभी नहीं। बिल्कुल सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्किन का मैं आराम दे रही हूँ मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। सनब्लॉक कभी नहीं छोड़ना है, हत्ता कि किचन में जाते वक्त भी आपने लगाने। लोग सोचते हैं कि हम तो बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन वो जो हीट है वो आपका जहर से स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स ऊपर आते हैं तो वो आपके पिगमेंटेशन आ जाती है। मैं तो भाई सनब्लॉक अब इतना वो हो गया, एक खत्म होता है ना, कोई दूसरी कंपनी का आया होता है मैं लगा देती हूं। मैं कहती हूं मैं नहीं देख रही कौन सी कंपनी, बस सनब्लॉक होना चाहिए, सनब्लॉक लगाएं, सबका फार्मूला तो एक ही होगा। कौन सा एसपीएफ होना चाहिए घर में, घर के लिए नॉर्मली 20-60 के अंदर लगा ले आप, बाहर नहीं निकलती। उसके बाद इतनी मुश्किलों से आप स्किन सही करो बिल्कुल फिर सन। अच्छा और मैंने ये नोट किया है जब मैं सोती रही हूँ ना तो मेरे ये काला वो तो होगा, ये काला डेफिनेट होगा। अच्छा ये हमारे बॉडी के जब हार्मोन चेंज होते हैं तो ये पोर्शन जो बच्चों के ये ग्रीनिश हो जाता है, बच्चियों का ब्लैक हो जाता है, नींद कम। जैसे मेरे साथ डॉक्टर मेरा तब होता है जब मैं नींद कम, जब मैं नींद लेती हूँ स्किन ही सही हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, इतनी गंदी हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अच्छी नींद आपको फ्रेश कर देती है बिल्कुल, तो वो तो ये सबसे जरूरी है। हाँ जी थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने अपनी चेंजेस हमसे शेयर की। और चेंज हल्का हल्का करते रहना चाहिए, जब आपको लगे कोई गड़बड़ हो रही है और कोई मसला हो रहा है तो जरा सा चेंज करके देखिएगा, आपको वाकई फर्क होगा और रिस्क आप ले सकते हैं। सो इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं मैं आपको बताती चलूं कि भाई HBL PSL सीजन 9 शुरू हो चुका है और उसका फीवर फिर से है दोबारा लोगों में, और आज मैच है कराची किंग्स का और पेशावर जलमी का। सो हम सपोर्ट करते हैं कराची किंग्स को, कराची वाले हैं। और जनाब आज का सवाल, ये शर्ट कराची किंग्स की जीतने के लिए आपको जवाब देना होगा कि कराची किंग्स के जो दो फास्ट बॉलर्स हैं उनके नाम क्या हैं। चलिए बताइए, इससे पहले सालिया बताना शुरू करे और जीत जाए ये टी शर्ट कराची किंग्स की, तो जल्दी जल्दी जवाब दें और जीतिए।
और स्पॉन्सर्स बताती चलूँ, हाँ मैंने स्पॉन्सर का कार्ड भूल जाती हूँ बार बार, कि कौन है वो लोग जो बाकायदा कराची किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ए आर वाई लगुना डी एच ए सिटी कराची, ए आर वाई लगुना डी एच ए गुजरांवाला है जी टाइटेनियम स्पॉन्सर, इम्तियाज सुपर मार्केट प्लेटिनम सुपर मार्केट स्पॉन्सर्स हैं, विगो टेल रिलायबल मोबाइल फ़ोन पार्टनर हैं, प्लेटिनम मोबाइल फ़ोन पार्टनर हैं, डॉलेंस रिलायबल अप्लाइंसेस पार्टनर हैं, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर हैं, इजी कलर स्टाइलिंग पार्टनर हैं, ताज दरबार रेस्टोरेंट पार्टनर हैं, योलो स्मार्ट वॉच पार्टनर हैं एंड रोज पेटल एंड मैक्सॉप हाइजीन पार्टनर्स हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 26 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है फैजान नज़र बाय रंगोली कलेक्शन, 6 मुनफरिद रंगों में 3-piece स्टिच्ड सूट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे मिलेंगे, तो अभी अपने फेवरेट ड्रेस प्री बुक कराएं www.arysahulatbazaar.pk से, या फिर कॉल करें 021-111-000162 पर। और एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर रही हूँ आपके लिए, वो ये है कि जहाँ ड्रेसेस की बात होगी वहाँ गोल्ड की बात कैसे ना करें। सो आप अपने खूबसूरत ड्रेसेस के ऑर्डर पर सेव गोल्ड 80% भी कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे मौजूद डिटेल्स देखें और अपना फेवरेट ड्रेस प्री बुक कराएं। और आइए मैं आपको मिलवाती हूँ जो हमारी इतनी यंग डिज़ाइनर्स हैं, फिजाता नईम एंड उमामा गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, क्या तुम लोगों ने बस स्कूल से पढ़कर ही डिज़ाइनिंग शुरू कर दी है? कि छोटी छोटी सी डिज़ाइनर्स माशाल्लाह। सो क्या सोचा है आपने अपनी कलेक्शन के बारे में, बताओ। ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस हैं, स्टिच लॉन कलेक्शन है। अच्छा। जिसके साथ हमने शेफून दुपट्टा पेयर किया है और वो भी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा। 6 अलग डिज़ाइंस हैं और 6 अलग कलर्स हैं, उस पर हर पे डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है, आप इसको कहीं पर भी किसी भी इवेंट में वेयर कर सकते हैं। और रिसेंटली हमारा इतना बड़ा इवेंट आ रहा है। कोई आप वो रेंज बता सकते हो कि किस रेंज से किस रेंज तक हैं, या वो 26 फरवरी को पता चलेगा लोगों को। सो आपको आपने जो डिज़ाइन की चीज़, वो कलर्स आपने ये वाले क्यों सेलेक्ट किए, क्या सोच के? क्योंकि ये पेस्टल कलर्स हैं, एज यू कैन सी मेजरली यही हैं। जैसे एक नेवी ब्लू है बस, डार्क एक कलर, एक ही कलर, बिकॉज लेडीज प्रेफर यही करती हैं, इसी कलर्स को प्रेफर करती हैं। और ईद है तो पेस्टल कलर्स गर्मियों में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि वो बनस्बत इसके कि वो डार्क पहने। अच्छा, तो इसीलिए आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखा कि कलर जो हैं वो ये हों, ताकि वो सब पहन सकें, ताकि रमज़ान में भी दावतें होती हैं उसमें भी अच्छा रहेगा, ईद पर भी ये ज्वेलरी के साथ थोड़ा मेकअप के साथ एनहांस करके बेहतर रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप, हाँ अच्छा, अब जैसे ये इस कलर को आप क्या कहेंगी, ये वाला कलर अगर हो
ग्रे कलर या ये ब्लूइश ग्रीन में फॉल करता है, ये नाइदर ग्रे है ये ना ही ज्यादा ब्लू पे फॉल करता है। हाँ, कुछ खास मखसूस नाम रखे हुए आपने और डिजाइन और अभी तो कलर के कुछ डिसाइड नहीं किया। अच्छा अच्छा, और ये वाला कलर ये ऑफ वाइट में आ जाएगा? यस यस, है ना, बीच की तरफ बीच, ये ऑफ वाइट में आ जाएगा। और वो वाला जो है पिंक, पिंक की तरफ पेस्टल पीच, लाइट पिंकी पीच इस तरह का, वो आ गया नेवी ब्लू। प्रेफर करते हैं लोग ऑफ वाइट कलर बहुत ज्यादा। हां, और रमजान में खास तौर पे ईद पे भी इस तरह के लाइट कलर्स होते हैं, दावत होती है, थीम्स रखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी, सेव गोल्ड 80% पे 15% गोल्ड इंस्टेंट मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और आगे चलें फिर, नेवी ब्लू कलर आ गया जी। हाँ, है ना, कवाली नाइट्स होती हैं। हाँ, और ब्लैक की थीम में ज्यादातर प्रेफर करते हैं, डार्क ब्लू, डार्क इस तरह। वो कुछ लोगों के अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं कि वो लाइट नहीं पहनना चाहते, वो डार्क पहनना चाहते हैं, तो ये उस लिहाज से। ओके, फिर आ गया लेमन कलर, लेमन पेस्टल की तरफ, पेस्टल की तरफ आ गया। फिर टर्कोइज, जिसको बहुत ज्यादा बोल्ड चाहिए होता है, टर्कोइज, यस टर्कोइज कलर है। और उसके जो अगर मैं दामन पे देखूँ तो उस पर जो काम हुआ है, लेकिन वो काम ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके नीचे एक कपड़ा है, बाकी सबके नीचे ट्रांसपेरेंट है काम, है ना जी। तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। और ये इसके ऊपर जो कढ़ाई है टर्कोइज के ऊपर, वो ये बोरिंग एम्ब्रॉयडरी है। कौन सी? बोरिंग एम्ब्रॉयडरी। बोरिंग एम्ब्रॉयडरी कहलाती है इन सब पे, बोरिंग एम्ब्रॉयडरी कहेंगे सब पे तो नहीं है, लेकिन बहुत डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है हर किसी पे, फ्लावर पैटर्न्स और मोटर्स बने हुए हैं। जैसे ये ब्लूइश ग्रे है, इस पे बोरिंग एम्ब्रॉयडरी है, पिंक वाले पे और ब्लू ग्रीन वाले पे। हमने हर, मैंने आपको बताया कि हर एक डिज़ाइन पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं और डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज हुई हैं। ओके ओके ओके। तो आप लोग ये 26 फरवरी को लॉन्च हो रही है, आप लोग प्री बुक करा सकते हैं, आज से ही प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी www.arysahulatbazaar.pk पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 021-111-000-162 पर। सो अभी ही प्री बुक कराएं और अपना मनपसंद कलर, मनपसंद एम्ब्रॉयडरी, मनपसंद डिज़ाइन हासिल करें। ईद के लिए, रमज़ान के लिए हर साइज़ में अवेलेबल है, स्टिच्ड है, ये सारी बातें हमने आपको दोहरा दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जी, ये था हमारा आज का शो, तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। देखते देखते आ गया PSL 9, और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर।